महारानी महारानी, सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। शुभ शुभ बोल बावली, कौन सा खेल बिगड़ गया? महारानी सुनीति ने महाराज का मन एक बार फिर जीत लिया है। क्या, ये तू क्या कह रही है? स्पष्ट बता क्या हुआ। मैं वहीं से चली आ रही हूँ। पुत्र अशोक ने महाराज को व्याकुल कर दिया है। वो मेरे सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। क्या? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलकर राजकुमार ध्रुव की खोज में जा रहे हैं। कुछ कीजिए वरना आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ कि महाराज कैसे जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों, क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? हम अपने पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं जो केवल तुम्हारे कारण राजमहल छोड़कर चला गया है। हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे। यह अचानक पुत्र मोह कैसे उमड़ आया महाराज? पिताश्री ने आकर मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार में पिता का क्या महत्व होता है। मैं भटक गया था, पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है और अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे जाने नहीं देगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तू पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारे परिवार के सुख चैन, हमारी एकता और हमारे प्रेम की शत्रु है। महाराज, तू उस चमकती रेत के समान है जो प्यासे यात्री को दूर से जल तो दिखाई देता है, परंतु पास आने के बाद पता चलता है कि वो जल नहीं केवल रेत है। पिताश्री ने आकर मुझे इस मोह जाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मोह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना कि सुनीति ने अंत में आप पर अपना रंग जमा ही लिया। मैं सब समझती हूँ, इसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। ये बेचारी शोक की मारी किसी को क्या भड़काएगी? इसके मन में तो पुत्र वियोग की अग्नि दहक रही है, पर तू क्या जाने इस दुख को? यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे महाराज? भगवान के लिए इतने अशुभ बोल अपने मुंह से ना बोलिए। भगवान ना करे कि वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? माता कहकर तो वो मुझे भी पुकारता था। मैं तो यही सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है। ध्रुव को तो मैं खो चुकी हूं, उत्तम भी अगर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा? देख लिया तुमने, ये है माता, ऐसी होती है ममता। और एक तुम हो कि ध्रुव हरदम तुम्हारी आंखों में कांटे के समान खटकता रहता था। तुम यही चाहती थी ना कि ये राजमहल तुम्हारा हो जाए, ये ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए, मेरे राजकोष, मेरे सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। तो ले, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं और सुनीति को लेकर अपने पुत्र की खोज में जा रहा हूं। यदि वो हमें ना मिला तो हम भी लौट कर नहीं आएंगे। तू बिठा ले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर और जैसे चाहे वैसे राज कर। हम जा रहे हैं, चलिए महारानी सुनीति। महाराज, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव,
से हो और मैं तुम्हारे लिए जल लाया हूँ। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है? मैं जल पीना नहीं चाहता, मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। जल नहीं पियोगे तो लंबी यात्रा कैसे करोगे? धर्म की साधना के लिए शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है बालक। लो थोड़ा सा जल पी लो। जो भी हो, भगवान विष्णु की खोज में यदि मेरा पथ निर्देश कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तुम जितने कोमल हो पुत्र, तुम्हारा संकल्प उतना ही कठोर है। इस कड़ी धूप में कुम्हला जाओगे। मेरी बात मानो पुत्र, घर लौट जाओ। मैं तो समझा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूँ। देखो यहाँ से एक मार्ग तुम्हारे घर की ओर भी तो जाता है। भी मिलता है, मुझे घर लौट जाने को कहता है। कोई भी भगवान विष्णु का पता नहीं बताता। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। ये जानकर भी नहीं कि तुम्हारी खोज में तुम्हारे माता पिता दिशाएं छान रहे हैं। आपको किसने बताया? मैं तो तुम्हें भी बता सकता हूँ। बता क्या, मैं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। देखना चाहोगे? देखो। माती, संभलिए मारा। आप कौन है? आप मेरे माताजी के पास ले जा सकते हैं, तो फिर भगवान विष्णु के पास भी ले जा सकते हैं। मुझे बताइए आप कौन है? मैं नारद हूँ बालक, देवर्षि नारद। बारंबार प्रणाम आपको करता हूँ देवर्षि नारद। मुझे बताइए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं पुत्र। चलिए ले चलिए मुझे क्षीर सागर। यही तो समस्या है पुत्र। क्या समस्या है? कोई प्राणी जीते जी क्षीर सागर में नहीं जा सकता। क्षीर सागर में मनुष्य की आत्मा जा सकती है, उसका शरीर नहीं। जब तक कोई प्राणी इस जीवन के बंधन में बंधा है तब तक वो क्षीर सागर नहीं जा सकता। मृत्यु के पश्चात ही वहाँ जाया जा सकता है बालक। पर मैं तो जीते जी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता, किंतु मैं उनसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया पुत्र। एक बात कहूँ देवर्षि? अवश्य कहो पुत्र। मनुष्य तो मृत्यु के पश्चात ही उनसे मिल सकता है, पर वे स्वयं तो किसी भी जीवित प्राणी से मिल सकते है ना? मेरी बुद्धि की परीक्षा मत लो। तुम क्या कहना चाहते हो बालक? यही कि यदि मैं उनके पास नहीं जा सकता, पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना? हाँ ये तो संभव है, किंतु इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। करूँगा, करूँगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करूँगा। सोच लो बालक, बड़ी कठिन राह है ये, कष्ट ही कष्ट है इस राह में। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं हर कष्ट हंस के सह लूंगा। पहले तुमने मुझे प्रणाम किया, अब मैं तुम्हें, तुम्हारे साहस, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूं। इतना छोटा बालक और इतना बड़ा संकल्प,
इतना साहस। अच्छा तो सुनो, तुम्हें उस वन में जाना होगा, दूर अंदर तक। वहां जाके तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, निरंतर, तार तोड़े बिना। जाप एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मुझे मंत्र दीजिए। कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवर्षि। माते प्रणाम। माते, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? आप मुझे कुछ रूठी रूठी सी दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आप भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि मन करता है आपसे कभी बात ही न करूं। मगर माते, नियम तो ये है कि दंड देने से पहले अपराध करने वाले को उसके अपराध के बारे में बताया जाता है। आपने तो मुझे अभी तक नहीं बताया कि मेरा अपराध क्या है। आपसे उत्तर नहीं बन पा रहा, इसके लिए बातें मना रहे हैं। मैं पूछती हूँ, उस छोटे से बालक को इतने घोर वन में भेजने की क्या आवश्यकता थी, जहाँ हर पग वन्य पशुओं और विषैले सर्पों का संकट है? ओ, तो माता मुझसे इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने ध्रुव को वन में क्यों भेज दिया? और नहीं तो क्या, मंत्र का जाप ही तो करना था। वो तो ध्रुव वहाँ भी कर सकता था जहाँ आप उसे मिले थे। एक कोमल काया को इतना बड़ा कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? परंतु माते, जहाँ मैं ध्रुव से मिला था वह एक खुला क्षेत्र था। तो क्या हुआ? नारायण नारायण। माते, आपको तो पता है कि ध्रुव के माता पिता उसकी खोज में निकल चुके हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। माते, किसी खुले क्षेत्र में ध्रुव उनकी दृष्टि से बच नहीं पाता। कभी ना कभी वह उसे देख ही लेते। यदि वह उसे देख लेते तो फिर घर ले जाने का प्रयत्न करते। यदि वो उसे घर ले जाने का प्रयत्न करते तो मंत्र के जाप का तार टूट जाता। यदि मंत्र के जाप का तार टूट जाता तो ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती, और यदि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती तो भगवान विष्णु से मिलने की उसकी मनोकामना पूर्ण न हो पाती। इसलिए मैंने उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया है जहां उसे कोई देख न सके। माते, ठीक है, किंतु तुम जानते हो ना कि ध्रुव मुझे कितना प्यारा है। यदि उसे कोई हानि पहुंची तो? माते, मैं उसके भाग्य के लिखे को तो नहीं बदल सकता। मैंने तो वही किया जो मुझे इन परिस्थितियों में उचित लगा। क्या अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? नहीं, परंतु संतुष्ट भी नहीं हूं। एक बात कहूं माते? कहो। आप जब भी क्रोधित होकर मुझे डांटती हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे यूं लगता है मानो किसी सुंदर मधुवन से मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, आइए, स्वागत है आपका। बताइए, तो क्या आपकी कृपा दृष्टि हुई ध्रुव पर? क्या आपका मार्गदर्शन मिला उसे? ध्रुव का मार्गदर्शन आपने भी किसके पास भेज दिया था मुझे? वो बालक है ना, न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। देखने में तो छोटा सा है, परंतु संकल्प इतना दृढ़ कि बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाए। इतनी छोटी सी आयु में इतनी महान अभिलाषा, और अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि भगवान को स्वयं ही उसके पास आना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ भी सहने को तैयार है। प्रभु, उसका मार्गदर्शन करते करते तो मैं अपना मार्ग भूलते भूलते बचा। उसे मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं लगती प्रभु। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, आप ठीक कह रहे हैं। पतंगा जब दीपक पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की ठान लेता है, तो केवल एक ही वस्तु उसका मार्गदर्शन कर सकती है, दीपक की लौ और उस पर मर मिटने की इच्छा। फिर यही उद्देश्य उसका पूर्ण जीवन बन जाता है। ध्रुव के मन में जिस संकल्प ने जन्म लिया है देवर्षि, उस संकल्प की पूर्ति के लिए उसका मार्गदर्शन भी वही संकल्प करेगा। उस संकल्प के अतिरिक्त और कोई उसका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता। एक बात पूछने को मन कर रहा है जनार्दन, तो संकोच क्यों कर रहे हैं देवर्षि, पूछिए ना। हे विश्वेश्वर, जब ध्रुव के संकल्प से ही उसका मार्गदर्शन होना था, तो फिर उसके मार्गदर्शन के लिए आपने मुझे क्यों भेजा? यदि चंद्रमा उदित ही न हो देवर्षि, तो अंधियारी रात्रि के यात्री को कौन बताए कि उसकी यात्रा किस दिशा में होनी है? आपने चंद्रमा बनकर ध्रुव की आकांक्षा को दिशा दे दी देवर्षि। यह कोई साधारण और सरल कार्य नहीं था। मैं जानता था कि यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवर्षि, केवल आप, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। जो आपने किया वो केवल उचित ही नहीं था, बल्कि सराहनीय भी था। आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, किंतु माता लक्ष्मी कभी मुझे सराहे, लगता है ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं जानता हूं देवर्षि, आपने जो किया उससे माता लक्ष्मी यदि रुष्ट नहीं तो संतुष्ट भी नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आपसे क्या छिपा है अंतर्यामी? हां, माता मुझसे अप्रसन्न है। वो विवश है देवर्षि, अपनी ममता के कारण विवश है वो, उनसे तो किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती। और फिर ये पीड़ा तो उसकी है जिसे उन्होंने स्वयं अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए आप पर थोड़ा सा क्रोधित हो गई थी। और फिर क्रोध का प्रदर्शन भी तो अपनों से ही किया जाता है ना देवर्षि, आपको अपना समझती हैं, आप पर कृपालु हैं, इसलिए कभी कभी आप पर अपने क्रोध के पुष्प भी बरसाती रहती हैं। आपको भी तो आनंद मिलता है इससे। आपने मेरे मन की बात कह दी प्रभु, सच पूछिए तो माता के मुख से यदि कटु वचन भी निकले तो उनसे मधु की बूंदें टपकती दीख पड़ती हैं। किंतु माता अभी देवलोक लौटी नहीं क्या? ममता चिंता का दूसरा नाम है। आपने तो ध्रुव को भेज दिया वन में, अब माता का मन तड़प उठा कि कहीं वन के पशु उसे कोई हानि ना पहुंचा दे। इस समय वो ध्रुव की रक्षा का प्रबंध करने शिव भार्या पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गई है।